नमस्कार, स्वागत है आपका अनिल कंप्यूटर्स की प्री ऑनलाइन क्लासेस में। आज की क्लास में हम सीखेंगे सी लैंग्वेज के अंदर डिसीजन मेकिंग क्या होता है और उसे कैसे यूज किया जाता है। डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट को तब हम यूज करते हैं जब एक पर्टिकुलर कंडीशन आने पर हम मन चाहे स्टेटमेंट को एक्सक्यूट करना चाहते हैं। तो उसके लिए हमें सी लैंग्वेज में कुछ बिल्ट इन स्टेटमेंट को यूज करना होता है, और क्योंकि ये स्टेटमेंट कंडीशन के साथ में काम करते हैं तो हम इन्हें कंडीशनल स्टेटमेंट्स भी कहते हैं। और क्योंकि ये स्टेटमेंट प्रोग्राम में एक्सक्यूशन को कंट्रोल करने का काम करते हैं तो हम इन्हें कंट्रोल स्टेटमेंट भी कह सकते हैं। अब इसके अंदर आता है इफ स्टेटमेंट्स, इफ एल्स स्टेटमेंट, एल्स स्टेटमेंट। ये सारे स्टेटमेंट हम डिसीजन करने के लिए यूज करते हैं। फिर आते हैं सबसे फर्स्ट हमारा इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट कर्ली ब्रैकेट के द्वारा एक ब्लॉक में डिफाइन किया जाता है। जब कंडीशन ट्रू होती है तो इस ब्लॉक में दिए गए स्टेटमेंट एक्सिक्यूट हो जाते हैं। जैसे हम कोई भी कंडीशन देते हैं इफ स्टेटमेंट के अंदर, तो कंडीशन अगर ट्रू होती है तो हमारी इफ स्टेटमेंट के अंदर जो स्टेटमेंट दिया हुआ होता है वो हमारा एक्सक्यूट होता है। इसका जनरल सिंटैक्स होता है इफ ब्रैकेट ओपन कंडीशन ब्रैकेट क्लोज देन कर्ली ब्रैकेट ओपन स्टेटमेंट टू बी एक्सक्यूट इफ कंडीशन इज ट्रू। यानी हमने यहाँ पर जो कंडीशन दी है वो ट्रू होगी तो हमारा ये स्टेटमेंट प्रिंट होगा, अदरवाइज हमारा प्रोग्राम बाहर आ जाता है या टर्मिनेट हो जाता है। देन कर्ली ब्रैकेट क्लोज करके हम इसे क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल हम देखें तो एग्जाम्पल में हमने यहाँ पर हेडर फाइल इंक्लूड किया इंट में, इंट ए इज इक्वल टू 40, यानी ए की जो एज है वो 40 है। इंट बी इज इक्वल टू 32। हम चाहें तो यहाँ पर यूजर के थ्रू भी वैल्यू पुट करवा सकते हैं और हम डायरेक्टली यहाँ पर वैल्यू असाइन भी कर सकते हैं। फिर हमने यहाँ पर कंडीशन लगाई है इफ ब्रैकेट ओपन ए ग्रेटर बी देन ब्रैकेट क्लोज, कर्ली ब्रैकेट ओपन किया प्रिंट एफ ए इज एल्डर, यानी अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो हमें क्या प्रिंट चाहिए, ए इज एल्डर, ब्रैकेट क्लोज, सेमीकोलन से टर्मिनेट किया देन कर्ली ब्रैकेट क्लोज। ये हमारा इफ का सिंटैक्स कंप्लीट हुआ। उसके बाद रिटर्न जीरो करके हमारा जो प्रोग्राम है वो क्लोज करना है तो कर्ली ब्रैकेट से हम इसे क्लोज कर देंगे। तो इसका जो आउटपुट आएगा वो आएगा हमारा ए इज एल्डर। नेक्स्ट स्टेटमेंट हम देखते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट। इफ एल्स स्टेटमेंट को इफ स्टेटमेंट का पार्ट ही माना जाता है, लेकिन इसमें एल्स ब्लॉक और ऐड किया जाता है। और एल्स ब्लॉक में दिए गए स्टेटमेंट तब एक्सक्यूट होते हैं जब हमारी इफ की कंडीशन फॉल्स हो जाती है। जैसे अभी हमने इफ की कंडीशन दी ए ग्रेटर बी, अगर वो कंडीशन ट्रू हुई तो हमें क्या प्रिंट हुआ, ए इज एल्डर, और अगर वो कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो फिर हमें क्या प्रिंट करेगा, बी इज एल्डर। तो जब हमारी इफ की कंडीशन फॉल्स होगी तभी हमारा एल्स वाला ब्लॉक जो है वो एक्सक्यूट होगा, अदरवाइज एक्सक्यूट नहीं होता। तो हम चाहते हैं दोनों एक साथ यूज करें तो भी हम यूज कर सकते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट को। इसका जनरल सिंटैक्स होता है इफ ब्रैकेट ओपन कंडीशन ब्रैकेट क्लोज कर्ली ब्रैकेट ओपन स्टेटमेंट टू बी एक्सक्यूट व्हेन कंडीशन इज ट्रू, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो हमें यहाँ पर क्या प्रिंट करना है वो हम यहाँ पर लिखते हैं देन कर्ली ब्रैकेट क्लोज। फिर एल्स ब्लॉक और डिफाइन किया इसमें एल्स कर्ली ब्रैकेट ओपन, यहाँ पर हम कोई कंडीशन नहीं लिखते सिर्फ एल्स लिखते हैं, स्टेटमेंट टू बी एक्सक्यूट व्हेन कंडीशन इज फॉल्स। तो ये कंडीशन फॉल्स होगी तो हमें क्या प्रिंट चाहिए वो हम एल्स ब्लॉक के अंदर डिफाइन करते हैं और देन कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। इसका भी हम एक एग्जांपल दें तो यहाँ पर भी हमने इंट ए इज इक्वल टू 40 किया, बी इज इक्वल टू 42 किया। फिर हमने इफ में कंडीशन लगाई है ए ग्रेटर बी, तो देखो ए की जो एज है वो कम है, बी की एज ज्यादा, तो ये कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाएगी तो हमें आंसर क्या प्रिंट होगा, बी इज एल्डर, और अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो हमें क्या प्रिंट होगा, ए इज एल्डर। तो अभी इसका आउटपुट क्या आएगा हमारा, बी इज एल्डर। फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट आता है हमारा एल्स इफ स्टेटमेंट। यदि हम इफ और एल्स के बीच में एक कंडीशन और लगाना चाहते हैं तो ऐसा करने के लिए हम एल्स इफ स्टेटमेंट को यूज कर सकते हैं कि हम एक से ज्यादा कंडीशन एक प्रोग्राम के अंदर यूज करना चाहते हैं तो वहां पर आप एल्स इफ स्टेटमेंट को यूज कर सकते हैं। इसका जनरल सिंटैक्स होता है इफ ब्रैकेट ओपन कंडीशन ब्रैकेट क्लोज कर्ली ब्रैकेट ओपन स्टेटमेंट टू बी एक्सक्यूट व्हेन कंडीशन इज ट्रू, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो हमारा ये आंसर प्रिंट हो जाएगा।
ये अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती तो हमने यहाँ पर यूज किया एल्स इफ। एल्स इफ के अंदर हम सेकंड कंडीशन देते हैं, तो ब्रैकेट के अंदर हमने सेकंड कंडीशन दी, तो अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो वो सेकंड वाली कंडीशन चेक करेगा, और ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो ये वाला आंसर हमारा प्रिंट हो जाता है। और लास्ट में हमने एल्स यूज किया कि ये दोनों ही कंडीशन अगर फॉल्स हो जाए तो हमें क्या प्रिंट करना है, तो वो हम एल्स ब्लॉक के अंदर डिफाइन करते हैं। इसका भी हम एक एग्जाम्पल लें, तो यहाँ पर हमने हेडर फाइल इंक्लूड किया इंट में इंट मार्क्स, और यूजर के द्वारा हमने यहाँ पर मार्क्स एंटर करवाया, एंटर और मार्क्स स्कैन एफ परसेंट डी एंड मार्क्स इफ। अब इफ के अंदर हमने कंडीशन लगाई मार्क्स ग्रेटर 90, यानी हम यहाँ जो मार्क्स एंटर करने वाले हैं वो अगर 90 से ऊपर होंगे तो क्या प्रिंट करेगा, एक्सीलेंट। फिर हमने एल्स इफ यूज किया मार्क्स ग्रेटर 60, अगर 60 से ऊपर मार्क्स हुए तो उसको क्या मिलना चाहिए, फर्स्ट डिवीजन। फिर एल्स इफ में एक और कंडीशन लगाई मार्क्स ग्रेटर 48 हो तो सेकंड डिवीजन आए, मार्क्स ग्रेटर 36 हो तो थर्ड डिवीजन आए, और ये सारी ही कंडीशन अगर फॉल्स हो जाए तो हमें क्या प्रिंट करेगा कि वो फेल है। यहाँ पर हम एक और चीज यूज कर सकते हैं इक्वल टू का साइन। अभी हमने कंडीशन लगाई मार्क्स ग्रेटर 90, अगर आप मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 90 करते हैं तो 90 के बराबर भी होगा तब भी वो एक्सीलेंट आंसर प्रिंट करता है। तो अभी हमने यहाँ पर एंटर किए 60 मार्क्स, तो वो हमें आंसर देगा फर्स्ट डिवीजन। थैंक यू।